All right, so in the last video, we have discussed about polarized capacitors, and in this video, we are going to talk about non-polarized capacitors. Polarized capacitor, जैसे मैंने समझाया था कि जहाँ पर polarization आपको दिख रही है, positive, negative, आपको value दिख रही है, positive, negative terminals दिख रहे हैं capacitor पे, that particular capacitor is a polarized capacitor. Non-polarized ठीक उसके opposite, जहाँ पर आपका positive, negative polarity जो है, वो स्पेसिफाई अभी तक नहीं की गई है, यानी कि सर्किट में आप उसे किसी भी तरह कनेक्ट कर दिए, आपका कैपेसिटेंस काम करेगा. स्पेसिफिकली आपको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, कौन सा नेगेटिव कनेक्ट होगा, या किस साइड से आपको कनेक्शन करना है. बोथ वेज आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही साइड से वो काम इक्वली करेगा. तो यहाँ पर टाइप्स जो है कैपेसिटर्स के, हम एक एक करके नॉन पोलराइज्ड कैटेगरी जो है उसको एक एक करके हम यहाँ पर सब कैटेगरीज में देखेंगे. तो पहला सब कैटेगरी जो है, दैट इज योर सेरेमिक. यस, फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका वो है सेरेमिक कैपेसिटर्स. तो सेरेमिक कैपेसिटर्स में क्या होता है कि आपके जो भी सेरेमिक है, सेरेमिक इज वन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वेरी मच यूज इन योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सेरेमिक का बहुत यूज होता है, स्पेशली इन द कैपेसिटर्स. तो यहाँ पर आपका जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, दैट इज अ सेरेमिक कैपेसिटर, उसका जो लो लॉस डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पर आपको लॉस कम चाहिए, लॉस यानी इन द सेंस डिसिपेशन जो हो वो कम हो, उस जगह पर आपको सेरेमिक कैपेसिटर यूज करना है. और इसकी परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है. कैपेसिटेंस जो है वो इन डिवाइसेस में फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के लिए वोल्टेज और टेम्परेचर जो है उसको इसके हिसाब से यहाँ पर आपका सेरेमिक कैपेसिटर जो है वहां पर लगाया जाता है, जहाँ पर ये सारे पर्टिकुलर फैक्टर्स आपके वेरिएबल रहे चाहे ना रहे, फिक्स्ड, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए. अभी हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू क्योंकि फिक्स चाहिए, तो जहाँ पर टेम्परेचर वेराई कर रहा है, जहाँ पर आपका कैपेसिटेंस जो सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो वोल्टेज वेराई कर रहा है, अगर आपका वहां पर कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 20 पिकोफराड का है, तो वो 20 पिकोफराड ही देगा आपको कैपेसिटेंस, उससे ज्यादा का वैल्यू नहीं देगा. यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग रेंज है वो 10 पिकोफराड टू 1 माइक्रोफराड रेंज करता है. तो यहाँ पर जहाँ पर आपको टेम्परेचर स्टेबिलिटी चाहिए, परफॉर्मेंस में आपका जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए टेम्परेचर, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी की वजह से, इसी वहां पर आप सेरेमिक का यूज करते हैं, सेरेमिक कैपेसिटर का. इसीलिए इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपके सर्किट्स है वहां पर यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले जितने भी सर्किट्स है वहां पर आपको सेरेमिक कैपेसिटर जरूर मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका फिल्म कैपेसिटर, जिसके बाद हम ये पेपर कैपेसिटर देखेंगे. तो फिल्म कैपेसिटर जो है वहां पर आपका थिन फिल्म होता है, जो कि एल्यूमिनियम का होता है, और उसके अंदर एक पतला सा लेयर लगाया जाता है डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज करने के लिए. ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है, अगेन आपकी कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के लिए, एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स है वो वहां पर कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करेंगी, और उसके बीच में जो पतला लेयर ऑफ फिल्म है वो आपका हेल्प करता है कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने का, वहां पर कैपेसिटेंस को. इसका रेंज भी 1 नैनोफराड टू 30 माइक्रोफराड के बीच में है, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग रेंज इतना है, और अप टू 50 वोल्ट टू 2 किलो वोल्ट तक ये कैप्चर कर सकता है, मतलब कितने वोल्ट के सर्किट में आप उसे लगा सकते हैं. कॉस्टली बिल्कुल नहीं है आपका फिल्म कैपेसिटर, इट इज मच मोर चीपर देन एनी ऑफ द कैपेसिटर्स इन योर रेंज. फिक्स्ड कैपेसिटर्स में अगर हम बात करें तो जहां पर भी आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है जिसके सर्किट में, वहां पर आप फिल्म कैपेसिटर जरूर यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट है आपका पेपर कैपेसिटर, जो आपको दिख रहा है. ये पेपर कैपेसिटर जो होता है, यहाँ पर पेपर एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज किया जाता है. सर्किट में आपका जो प्लेट्स हैं उसके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक होने चाहिए, वहां पर पेपर का यूज किया जाता है.
और जहां पर इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है दैट इज 500 पिकोफराड टू 50 नैनोफराड, और जहां पर करंट लीकेज ना नहीं चाहिए वहां पर आप पेपर कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हाई लीकेज करंट अवेलेबल होता है। वो लीकेज करंट जहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उन सर्किट्स में आप पेपर कैपेसिटर का यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट आवर कैपेसिटर इज मीका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर माइका इज यूज्ड इन लाइक रॉक्स और ग्रेनाइट्स में आपको मिल जाएगा माइका का जो कंपोनेंट होता है जिसे सिलिकेट मिनरल भी कहा जाता है। तो ये जो आपका माइका कैपेसिटर है ये इससे जो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर वो माइका का बनता है, ठीक है। इसमें जो मिनरल्स मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये माइका। प्लेट्स आप किसी भी मेटल्स के बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट माइका आपका डायलैक्ट्रिक की तरह यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर रिलेटिवली आपको जो है रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा, बाकी अगर कैपेसिटर से कंपेयर किया जाए तो रिलायबिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन एंड स्टेबिलिटी इन द वोल्टेज, स्टेबिलिटी इन द कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस में स्टेबिलिटी आपको काफी ज्यादा देखने मिलती है। ये जो आपका प्रिसिजन ऑफ वैल्यू आपको रहता है कैपेसिटेंस के थ्रू, आप जो प्रिसिजन वैल्यू को आउट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, या कैपेसिटेंस वोल्टेज को आप वहां पर प्रिसाइजली डिवाइड करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, तो वो प्रिसिजन आपको माइक्रो कैपेसिटर प्रोवाइड कर सकता है। इसका रेंज 20 पिकोफैरड माइक्रोफैरड तक है, लेकिन वोल्टेज काफी ज्यादा हाई ये झेल सकता है, मतलब इसको किसी भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स में सॉरी डिवाइसेस में सर्किट्स में आप माइका कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए वहां पर आप माइका कैपेसिटर जरूर यूज करें। ग्लास कैपेसिटर अगेन यहां पर डाइलेक्ट्रिक जो है वो ग्लास है। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रोड हो गया जो दो प्लेट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरह लगेंगे, इसके बीच में आपका ग्लास लगेगा जो कि डायलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, और एक इनकैप्सुलेशन होता है यानी कि उसको बाहर से थोड़ा सा कैप्सूल की तरह उसको प्रोटेक्शन के लिए एक वैक्यूम की तरह लगा दिया जाता है, और वो इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट करता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ योर कैपेसिटेंस। यहाँ पर जो ग्लास कैपेसिटेंस है आपका, दैट ग्लास कैपेसिटेंस इज अ रेंज ऑफ 1 पिकोफराड टू 2000 पिकोफराड। तो इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग में, बट इट इज समहाउ कंपैरेटिव टू मीका इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ग्लास फिर भी बहुत ज्यादा ग्लास कैपेसिटर यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका वैक्यूम कैपेसिटर है, इसके अलावा आपका जो एयर कैपेसिटर है, ये सारे फिक्स्ड में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, वेरिएबल में काफी ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं। मतलब इसका वैक्यूम का या फिर एयर का फिक्स्ड एयर एंड वैक्यूम आर यूज एज अ डाइलेक्ट्रिक है, जो नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है वैक्यूम का चाहे एयर का वो डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज किया जाता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है फिक्स्ड, इसलिए फिक्स्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, वेरिएबल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट के हिसाब से फ्रिक्वेंसी वोल्टेज या आपका टेम्परेचर इसके हिसाब से वेराई ज्यादा करता है। तो यहाँ पर वैक्यूम और एयर जो है वो फिक्स्ड में उतना ज्यादा आपको यूज होते नहीं मिलेगा, लेकिन वेरिएबल में बहुत ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम वेरिएबल कैपेसिटर्स पे बनाएंगे। आई होप फिक्स्ड कैपेसिटर आपको यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ना लगे, सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने बताया है, आप इस बार डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर